के बच्चे सब ले रहे हैं ना क्लास ज्यादातर, क्योंकि मुझे दिखता रहता है ना कितने क्या व्यू आ रहे हैं इस पर, कितने लोग देख रहे हैं, तो पहले से कम हो गया है बच्चों का। चलो तो अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, ES6 इकमा स्क्रिप्ट है ना। तो उसमें हमने लेट, कॉन्स्टेंट, टेम्पलेटिंग स्ट्रिंग, क्लास, प्रॉमिस, ये सारे इंटरव्यू क्वेश्चन है। क्लास क्लास को हम डिटेल में पढ़ेंगे। ऊप्स कंसेप्ट है ना, स्टेटमेंट, लूप, फंक्शन, एरे, हमने सब पढ़ लिए थे। अब आगे चल के हम क्लास को डिटेल में पढ़ेंगे। क्लास क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है ना, क्लास के अंदर मेथड क्या होते हैं अच्छे से, है ना। और फिर प्रॉमिस क्या होता है, प्रॉमिस इंटरव्यू क्वेश्चंस, प्रॉमिस। प्रॉमिस के बाद आसिंग, अवेट है ना, फिर देन, फिर देखो ट्राई कैच, ट्राई कैच, और नीचे देखो स्टैटिक मेथड। क्लास की जो क्लास के नीचे लिख दो उसको, क्लास के नीचे लिख दो स्टैटिक। क्लास लिखा था, नहीं, क्लास के नीचे, क्लास के नीचे, क्लास का लिखा, लाइन नंबर 4 के नीचे लिखो उसको, लाइन नंबर 4 पे है ना क्लास लिखा हुआ, इसके नीचे लिख दो स्टैटिक मेथड, स्टैटिक है ना। हाँ, और जो नीचे हटा दो स्टैटिक, ट्राई कैच, CATCH, हाँ इसको कमेंट कर लो। ये सारे आपके पूरे जितना भी चल रहा है ना, सब हम यूज करेंगे किसके अंदर, एक्सप्रेस के अंदर। टोटल सब उसी के अंदर पढ़ने वाले हम लोग आगे चल के। ये सब इंटरव्यू पूछे आते हैं कि व्हाट इज प्रॉमिस क्या होता है ना, असिंग अवेट क्या करता है, ट्राई कैच क्या करता है, ये सब बताओ, है ना। तो लेट आपको पता है पहले से ही, कॉन्स्टेंट आपको पता है पहले से, पता है सबको, लेट और कॉन्स्टेंट तो पढ़ चुके थे, जावा स्क्रिप्ट से पढ़ते चले आ रहे हो, है ना। टेम्पलेटिंग स्ट्रिंग क्या होती है ये आप देखो, है ना। क्लास, स्टैटिक मेथड, प्रॉमिस ये हम पढ़ेंगे जब हम सर्वर क्रिएट कर लेंगे, है ना। जब सबसे लास्ट टाइम पढ़ाऊंगा, जब नोट जेस पूरा पढ़ लेंगे ना बेसिक पूरा, फिर पढ़ाऊंगा क्लास, स्टैटिक मेथड, प्रॉमिस, आसिंग, अवेट, जब आपका माइंड बिल्कुल फ्रेश होगा, एकदम रिलैक्स होगा। चलो अब देखते हैं, स्टैटिक मेथड में कुछ नहीं होता। वाह, नोट कर लिया ना इतना आप लोगों ने। चलो देखो, देखो वेयर, नीचे देखो कमेंट में, नीचे स्पेस दे कमेंट को, नीचे स्पेस दे कमेंट, नीचे स्पेस दे दो, स्पेस दे दो थोड़ा, अरे स्पेस दे दो, अरे वहां से थोड़ा नीचे ले आओ, नीचे आ जाओ नीचे। हाँ, कमेंट देखो, डबल स्लैश लिखो, टेम्पलेटिंग स्ट्रिंग, टेम्पलेटिंग स्ट्रिंग, स्ट्रिंग, थोड़ा नीचे आ जाओ। देखो वेयर नेम इक्वल राज, वेयर नेम इक्वल राज, सिंगल कोट में राज, जब राज बोले तो समझ जाओ कि स्ट्रिंग ही होगी भी, तो है ना। वेयर एज, जब एज बोलूंगा तो समझ जाओ नंबर होगा वो। वेयर एज इक्वल, हाँ थोड़ा, अब नीचे लिखो कांस्टेंट, मैं दे रहा हूँ, मैं चैट में दे रहा हूँ, ये लिख लो प्रिंट, मतलब इनको मुझे प्रिंट करना है कंसोल में, तो ये तरीका होता है। कंसोल में प्रिंट करना है, तरीका होता है, ऐसे करते ना हम प्रिंट जावा स्क्रिप्ट में करते थे। थोड़े फॉन्ट साइज बड़े कर लो अपने, चलो स्क्रॉल कर दूंगा बस, ठीक है प्रिंट करा दो, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, सबको पता है ये क्या है, रन कर लो नोट करके। सब देखो प्रिंट हो गया है ना, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आ थोड़ा नीचे आओ, स्क्रॉल करो, हाँ तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। माइक किसी को, माइक बंद कर दो अपना, कोई जिसका भी माइक कौन है, मुस्कान आप ही कौन है। चलो
ये तो हम जावास्क्रिप्ट में सीखते आ रहे थे कि नंबर और स्ट्रिंग को कैसे लिखते हैं एक साथ में, है ना। अब हम यूज करते हैं टेम्पलेटिंग स्ट्रिंग के लिखने का तरीका। देखो उसमें किस तरह की लिखते हैं वो आपको मैं चैट में दे रहा हूँ, चैट में दे रहा हूँ इनका स्ट्रिंग लिखने का तरीका टेम्पलेट स्ट्रिंग में। इसी चीज को नो पेस्ट कर लो, कॉपी का पेस्ट कर दो। ये पेस्ट कर दो, वो वाले को बंद कर दो। अब चेक कर ले, देखो ये तरीका कौन सा है टेम्पलेट स्ट्रिंग का। यहाँ पहले हमने क्या किया डॉलर और कर्ली ब्रैकेट्स, वहां में क्या करना पड़ता था प्लस प्लस लगाने पड़ रहे थे, प्लस 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 लगाओ। यहाँ पे क्या लगाना होता है डॉलर और कर्ली ब्रैकेट, उस पर लिख दिया नेम डॉलर कर्ली ब्रैकेट, उसमें लिख दिया एज और सेम आउटपुट आएगा। और स्टार्टिंग में क्या लगाना होता है कॉमा के बल दी ये वाला साइन, ठीक है। सर सर ये इसमें होता है डॉलर का वर्क क्या टेम्पलेटिंग है, स्ट्रिंग के मतलब लिखने का तरीका। हाँ बोलो बोलो। डॉलर का प्रिंट कराने के मतलब। लिए जो डॉलर कर्ली ब्रैकेट्स ना प्रिंट करने के लिए यूज करते हैं, जो को टैग है इनका टैग, अच्छा ओके जैसे अपन प्रिंट यूज करते हैं ना प्रिंट करने के लिए, वैसे यस यहाँ यस पे डॉलर कर्ली ब्रैकेट्स यूज करते हैं प्रिंट करने के लिए टेम्पलेटिंग स्ट्रिंग के अंदर। ओके नोट कर लें ये लिखने का तरीका है ES 6 के अंदर, ना जावास्क्रिप्ट में कैसे करते थे प्लस नेम प्लस प्लस करो, और यहां इस तरीके से करते हैं। नोट कर लें हो गया सर। हो गया सर। हो गया सबका, हो गया सर। हो गया। अब देखो हमने कर लिया नोट, यस सर। सबने कर लिया। अब तुम लोग के मन में एक क्वेश्चन समझा आ रहा होगा कि यार कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, नोड जेएस पढ़ रहे हैं है ना, हम पढ़ रहे हैं बैकएंड वाला पार्ट। बैकएंड वाला पार्ट तो ब्राउजर पे चलना चाहिए सब कुछ, है ना, मतलब वेबसाइट तो ब्राउजर पे चलेगी है ना। हम सारा काम टर्मिनल में कर रहे हैं, ब्राउजर पे तो हम कुछ कर ही रहे हैं यहाँ पे लगता है ना, क्योंकि वेबसाइट तो ब्राउजर भी चलेगी ना। आप एक वेबसाइट बनाओगे डायनेमिक करोगे सारा कुछ, वो तो ब्राउजर भी चलेगा। तो अब जब आप लोग ने मेरे क्लास में MySQL पढ़ते हो, MySQL बहुत से पढ़ते हो ना, उसमें MySQL पढ़ा होगा और भी चीज़ सुनी होगी। तो MySQL कैसे काम करता है, आपने क्या किया उसके लिए सर्वर बनाया था, पहले सर्वर इंस्टॉल किया था, किया था। MySQL कैसे लाते हो आप लोग, सर्वर स्टार्ट करके चलाते हो ना, जो लोग MySQL पढ़ते हैं बैच में। यस सर यस सर यस सर सर्वर स्टार्ट किया MySQL था भाषा। मोंगो डीबी भी, क्या है मोंगो डीबी में सर्वर, मोंगो डीबी में तो सर्वर ऑटोमेटिक स्टार्ट रहता है ना, जब भी मोंगो डीबी में कोई सर्वर दिक्कत दे देता है क्या करते हो सर्वर को स्टार्ट करते हो ना, तभी तो मोंगो डीबी काम यस करता है सर सर्वर पे, तभी तो आप कोडिंग कर यस पा रहे थे, सीएमडी पे काम कर पाते हो मोंगो डीबी के अंदर। तो अभी हमने ऐसा कोई नोड जेएस में नहीं किया, जबकि आगे चल के तो वही होना है सारा कुछ, ब्राउजर भी चलेगा आपको, लॉग इन लॉग आउट, ई कॉमर्स जैसा प्रोजेक्ट बनाओगे डायनेमिक तो वो सारा काम ब्राउजर भी दोगा, तो कहने कि हमें सर्वर भी चाहिए होगा। पॉइंट समझ आ रहा है, तो नोड जेएस हमें सर्वर प्रोवाइड करता है, नोड जेएस हमें क्या देगा सर्वर देगा पूरा सर्वर बनाने। प्रोवाइड तो सर्वर बनाते कैसे हैं सर, हाँ तो नोड सर्वर बनाते कैसे हैं। अच्छा आप ये सबको बताया ना, ब्राउजर पे जो वेबसाइट चलती है वो सब किस पे चलती हैं, HTTP, जानते हो फुल फॉर्म क्या होता है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल आप जितनी वेबसाइट ओपन करते हो सब किस पे होते हैं, आप जितनी वेबसाइट चलाते हो सब किस पे चलती हैं, HTTP पर। उसी पे तो सारी चलती है सर्वर, वही तो है पूरा, आप जो भी यस वेबसाइट सर चलाते हो वो सब उसी पे तो चलती है HTTP। और एस लग गया तो सिक्योर हो गया, गूगल पे जाना लिखो HTTP। आप कभी देखना आप जितनी वेबसाइट चलाते हो ब्राउजर पे वो सब किस पे रन होती हैं, HTTP की मदद से। सर्वर किसके तो में चलता है देखो, आगे आगे पहले क्या देखो, स्टार्टिंग में सिंपल लिखो HTTP,
अरे सिंपल लिखो, एस टी पूरा क्यों खोल दिया, HTTP, बस एंटर दे दो, इतनी काफी है। इस पे क्लिक कर लो, देखो क्या है, पढ़ो सब लोग, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। जितनी आपकी वेबसाइट है जो सर्वर चलती हैं वो सब इसी पे चलती हैं, बताया सबको चीजें। ये आपकी वेबसाइट लो लिखा है ना, सर्च HTML डिजाइनिंग फॉर द, नीचे आ जाओ, क्लाइंट सर्वर मॉड्यूल, नीचे आ जाओ, उसी पे आ जाओ नीचे। देखो कैश कुकीज हैं, सब इसी के पार्ट है, HTTP के नीचे आओ। देखो सब इसी की पार्ट है। अब एक चीज लिखो, HTTP स्टेटस लिखो, HTTP स्टेटस, बैक करो, बैक करके लिखो HTTP स्टेटस। ये भी आपने बहुत देखा होगा चीजों को, एंटर दो, स्टेटस कोड जा गया, स्टेटस कोड। ये कोड जब मैं नेटवर्किंग की बात कर रहा हूँ, नेटवर्किंग की चीज है ना, क्योंकि अब हमें भी सर्वर क्रिएट करना है ना, जैसे देखो जी सर्वर भी सब चीज चल रही है, जो वेबसाइट जब जब ओपन करने वाली किस पे चल रही है, सर्वर पे। अब इस पे क्लिक करना पहले वाली URL पे, अब ये वेबसाइट नहीं है HTTPS, ये किस पे चल रही होगी, सर्वर पे, है ना। ये सर्वर नहीं होता, डिजाइनिंग सीखा था आपने, सर्वर पे वेबसाइट लाइव करवाई थी। तो ऐसे क्या करना पड़ेगा, हमें एक सर्वर क्रिएट करना होगा नोड JS के अंदर, है ना। देखो अब यहाँ पर नीचे आओ, नीचे आओ, अब बस यहाँ देखो, दिख रहा है आपको ये 100 कंटिन्यू, 101 क्या होता है स्विचिंग, 102 क्या होता है प्रोसेसिंग, और नीचे आओ एक। अब देखो अब बस यहीं रुक जाओ, देखो जब हम इंसर्ट करते हैं तो आप देखते हो 200 मतलब ओके, 200 मतलब क्या होता है ओके, है ना। नीचे आओ, 201 मतलब क्रिएट, जब हम डिस्प्ले ऊपर पर चलो, 200 मतलब क्या होता है, जब हम डिस्प्ले कराते हैं डेटा, लिखा ना देखो गेट पुट पोस्ट 200, जब हम डेटा जब हम इंसर्ट करते हैं ना इंसर्ट, तो 201 आता है लिखा हुआ। नीचे आओ, ये स्टेटस होते हैं HTTP के, देखो 202 आता है, 203 आता है, और नीचे आओ, और नीचे आओ, एक तो आपने बहुत बार देखा होगा, बताता हूँ, और नीचे आओ तो आपको सब कुछ याद आ जाए, और नीचे आओ, और नीचे आते जाओ, सारे पोर्ट है, थोड़ा पढ़ लेना आप लोग टाइम निकाल के, बस ऊपर निकल के, ऊपर निकल के, ऊपर निकल के, देखो नॉट फाउंड वाला था 404, नॉट फाउंड 404 है। हाँ ये देखो, ये देखा आपने बहुत बार देखा होगा, 404 देखा है, नॉट फाउंड, वेबसाइट में कभी कभी आ जाते। एक और देखा होगा आपने, तो ये और नीचे आओ, ये हमें कुछ बताते हैं, सब लिखा होता है इसमें अंदर, और नीचे एक और आपने बहुत देखा होगा, और नीचे 500 पे आओ, ये थोड़ा पढ़ लेना इनको आप, बस ऊपर चलना, ऊपर चलना, ऊपर और ऊपर आओ, एक जी देखा होगा 503 जी निकल गया, निकल गया, देखो 500 ऊपर, देखो सबसे ऊपर देखो 500, देखो 500 देखा है, इंटरनल सर्वर एरर देखा कि नहीं देखा, जब गेम खेलते थे नेट में, नेट नहीं होता था, सर्वर एरर रिस्पॉन्सेज 500 मतलब इंटरनल सर्वर एरर है, 501 मतलब देखो दिखा रहा है, 502 मतलब बैड गेट में, नीचे आ जाओ, 503 ही बहुत देखा होगा अपना, सर्विस अनेबल। देखिए ये सब क्या होते हैं, HTTP के स्टेटस होते हैं ये, 504 गेटवे टाइम आउट, 505 भी देखा होगा आपने, नॉट सपोर्टेड, ठीक है। तो कभी पढ़ लेना इनको टाइम निकाल के आप लोग, ठीक है। तो अभी जो आपकी वेबसाइट चल रही है किस पे चल रही है, ब्राउजर चल रही है, सर्वर चल रही है, तो पोर्ट क्या लगे अलग क्या आता है HTTP। तो अब हमें भी क्या करना पड़ेगा, नोड JS के अंदर एक सर्वर क्रिएट करना होगा, ठीक है। किसकी मदद से करेंगे हम लोग, HTTP की मदद से, क्योंकि सर्वर क्रिएट तो उसी से होगा सब कुछ, है ना। आ जाओ, चलो चलो आ जाओ, फाइल ना एक, अभी ये पढ़ाएंगे अभी आगे चल के आप लोगों को, एक क्लास व्लास है ना, पहले सर्वर क्रिएट करना सिखा सारी चीजें। चलो लिखो यहाँ पे सर्वर क्रिएट डॉट JS, सर्वर क्रिएट डॉट JS, और मैं अगली क्लास जब लूंगा ना, तो कोई भी बंदा क्लास मिस नहीं करना, क्योंकि अगली क्लास में क्लास क्लास का पूरा क्लास ऑब्जेक्ट स्टैटिक मेथड पढ़ाऊंगा,
मिस मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगी, अभी आपको बता दिया मैंने, अगली क्लास, ठीक है? और अगली क्लास में माइंड बिल्कुल फ्रेश रखना, अगर ये पढ़ने अच्छे से क्लास ला सब चीज़ है ना। चलो हम करने वाले हैं सर्वर क्रिएट, तो अब मैं कुछ चीज़ें आप लोगों से पूछूंगा, ठीक है, क्योंकि आपको मैं पढ़ा चुका हूँ, इसलिए देखते हैं आप लोग कितना बता पाते हैं। चलो देखो, कॉन्स्टेंट कॉन्स्टेंट एच टी टी पी इक्वल रिक्वायर फंक्शन का साइन सिंगल कोट में HTTP, रिक्वायर सिंगल कोट में HTTP। चलो बताओ इसका मतलब क्या है, कोई बताएगा? रिक्वायर लिखो, रिक्वेस्ट क्यों लिख दिया, रिक्वायर करेंगे ना, REQUIRE रिक्वायर। हाँ तो ये लाइन समझ में तो आ गई होगी वैसे आप लोगों को, क्यों हम किसको रिक्वायर कर रहे हैं, HTTP को, बाउंस लेके जाओ, बाय डिफॉल्ट नोड जेएस के पास है, उस पे जाओ, HTTP बाउंस लेके जाओ ना, कमना HTTP बाउंस लेके जाओ HTTP पे, अरे रिक्वायर में जो लिखा था रिक्वायर ना, पढ़ लो क्या होता है, सब लोग ऐसे नहीं वैसे लेके जाओ, बता पढ़ा बताता हूँ ये सब कुछ वो बस, अरे बता देखो, अरे ये इतने फास्ट नहीं, बस 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 देखो क्या हमने क्या किया, या तो इंपोर्ट कर लो या रिक्वायर, अब लिखो क्या लिखा हुआ है, ये क्या होता है HTTP, पढ़ लो, पढ़ा? क्योंकि हमें क्या करना है, नोड जेएस के अंदर सर्वर क्रिएट करना है, अब सर्वर क्रिएट किससे होगा, हमारा HTTP से होगा ना, ये सारी चीजें हम प्रोवाइड कर देगा। अब देखो हमें सर्वर क्रिएट करने के लिए क्या क्या चीज चाहिए होती है, अब लिखो console.log। अब देख तो लें कि इस HTTP के पास है क्या क्या, लिखो उसके अंदर ब्रैकेट के अंदर HTTP सिंगल कोट में, चेक करो कंसोल में, कंसोल में चेक करो। हाँ सब लोग दिख रहा है क्या क्या इसके अंदर, आओ उस पर नीचे दिखाओ, कहाँ गया, नीचे लेके जाओ नीचे, तुमने क्या लिखा, लिखा नहीं कुछ भी, लिखो ना नोड जेएस। सर आपने कंसोल का बोला था तो क्या हुआ? मुझे लगा कुछ नहीं। अरे तो टर्मिनल तो ओपन करो, टर्मिनल में फाइल को चलाओगे नहीं क्या, कंसोल में कैसे अपने प्रिंट हो जाएगा, नोड लिखो, नोड के अंदर लिखो HTTP सर्वर क्रिएट, फाइल का नाम तो दो, फाइल का नाम तब तो चलेगा ना वो कंसोल, नहीं सर console.com वो उसने ने बोला आज ना, सिंगल कोट हटा दो, हां सही, हां वो तो लगेगा ना। अरे अब मुझे महाराजाओं, हम अब परसों ही पढ़ के आए थे रिक्वायर, ये जो रिक्वायर में लिखा है ना, हमने रिक्वायर के अंदर HTTP, इसमें जो भी कुछ होगा वो मैंने किस में रख लिया, जब यहाँ कॉन्स्टेंट लगा है तो कॉन्स्टेंट का मतलब क्या होता है, ये वाला जो लिखा है मैंने HTTP क्या एक वेरिएबल है, इसमें मैं क्या स्टोर कर रहा हूँ, जो उसके अंदर आ रहा है, ठीक है? सर कंसोल के अंदर जो ये डबल, यहाँ पे लिखो H सिंगल कोट, हाँ वहां पे नहीं आएगा, पहले यहाँ पे लिखो H, लाइन नंबर एक पे लिख दो H, लाइन नंबर एक पे लिख दो H कॉन्स्टेंट में, कॉन्स्टेंट सिंपल लिख दो H लिख दो अकेला, अरे HTTP हटा दो ना, अच्छा सिंपल है, रिक्वायर में जो हमने लिखा है, जो हमने रिक्वायर में लिखा है ना HTTP, उसके अंदर जो भी कुछ है हमने H में रख लिया, अब सिंपल हम H को प्रिंट करा रहे हैं, वो स्ट्रिंग साइन हटा दो, तो स्ट्रिंग साइन क्यों आएंगे सोचो ना, यहाँ पे सिंपल H लिख दो, ठीक है? तो सर वही तो बोल रहा था मैं कि अब इनके वो हटा दो,
अच्छा मैं वो ऊपर समझ रहा था। नहीं सर मैं चलो इसी पे टर्मिनल बोल पर, रहा था ऊपर टर्मिनल पर करो अब देखो। आप, चल रहा है वो। अच्छा मैं ऊपर उसको समझा। हाँ अब देखो सब लोग, अब देखो इस जो हमने क्या रिक्वायर किया एज टीटीपी को, तो इस एच टी पी क्या क्या चीजें हैं देखो, सबको दिख रहा है को मेथड है इनके पास जो हम यूज करते हैं ना पोस्ट पुट, वो सब इन्हीं के मेथड हैं। और नीचे देखो स्टेटस, जो हम स्टेटस यूज करते हैं वो इन्हीं के स्टेटस हैं एच टी पी के। और नीचे आओ बस। अब देखो लिखा है ना क्लाइंट रिक्वेस्ट, दिखा है सब चीज़ें देखो, सर्वर सब चीज़ दिख रही है, ये सब किन की हैं, किसके पार्ट हैं, सारे सारे पार्ट किसके हैं एस टी टी पी के। अच्छा हम एस टी पी के मेथड को इनके पार्ट को यूज करेंगे और अपना सर्वर क्रिएट करेंगे। बात समझ आई इतनी आप लोगों को? जैसे हम लोग क्या करते थे, हम लोग अपनी बनाते थे फाइल, उस फाइल को रिक्वायर करते थे, तो ऐसी चीज बना बनाया है एस टी पी की। ठीक है इसको मैं रिक्वायर किया और एक वेरिएबल स्टोर कर लिया, और हमने हमने देख लिया कि इनके पास क्या क्या चीजें हैं, है ना। ये बात तो क्लियर होगी होगी सबको, बोलो यस सर, भाइयों भाई, है यस सर, ना पढ़ के आ रहे हैं। यस चलो अब सर, करते हैं सर्वर क्रिएट अपना, आ जाओ तो कंसोल बंद कर लो। चलो जला कंसोल बंद कर दो। अच्छा एक सेकेंड। हाँ अब चलो अब हम करते हैं सर्वर क्रिएट। लिखो यहाँ पे कांस्टेंट सर्वर, कांस्टेंट सर्वर। अब जब मैं कांस्टेंट लगाता हूँ तो आप समझ जाया करो ये वेरिएबल है एक, सब लोग, इक्वल एच डॉट। देखो जैसे मैं डॉट लगाऊंगा, अब ये एच कौन सा है, जैसे मैं डॉट लगाया तो अपने आप आ गए दो क्रिएट सर्वर। अब ये क्रिएट सर्वर पार्ट किसका है, एच टी टी पी का, उसके अंदर की प्रॉपर्टी है जो लिखा रहा ना, एक क्रिएट सर्वर एक फंक्शन है उसके अंदर, क्लिक कर दो उस पे और फंक्शन का साइन लगाओ। अब इसके अंदर देखो क्या कह रहा है, इसके अंदर हमें एक फंक्शन डिफाइन करना होगा। लिखो फंक्शन, फंक्शन लिखो फंक्शन, उसी के अंदर ही इसके फंक्शन, और फंक्शन का साइन, और लिखो उसके अंदर देखो कह रहा है दो पैरामीटर भेज पास करने हैं आर ई क्यू। अभी समझाता हूँ क्या होता है, आर ई क्यू कॉमा आर ई एस, अभी समझा रहा हूँ अभी, आप देख लो अभी, और फंक्शन के बाहर आओ, कर ली वैकेस आके एंटर दे दो, कर ली वैकेस आके एंटर दे। अब इसके अंदर लिखो आर ई एस, अभी समझा रहा हूँ क्या होता है, आर ई एस डॉट राइट, राइट फंक्शन का साइन, फंक्शन का साइन सिंगल कोट में, उसके अंदर लिखो सर्वर इज रनिंग, वेलकम वेल लिखो वेलकम नोड जेएस सर्वर। वेलकम नोड जेएस सर्वर, ठीक है। तो पहले इतनी बात समझ लो आप लोग, इतना जी हमने क्या किया, तो पहले इससे पहले मुझे आप दो चीज का आंसर दो, एक चीज का आंसर प्रोवाइड करें। चलो क्या नाम है मुस्कान, उस पे जाना ना ब्राउजर पे। हाँ ब्राउजर पे जाके लिखो, यहाँ पे लिखो क्या नाम है, फर्स्ट फिटर लिखो, तो कुछ भी लिख दो कोई वेबसाइट ओपन कर क्या लो, तो स्कूल ओपन कर लो। हाँ ठीक ऑलरेडी? है एंटर दे दो, ठीक है। हाँ तो बस अब रुको, तो सब लोग बताओ इसने सबसे पहले क्या किया था, क्यों सब लोग, इसने ब्राउजर पे क्या लिखा, और उस साइट का डब्ल्यू नेम थ्री स्पूल लिखा, यस लिखा आपने, और फिर आपने एंटर दिया ये तो किया, और फिर आपके सामने वेबसाइट आ गई। तो उसमें दो काम होते हैं, आपने लिखा डब्ल्यू थ्री स्पूल डॉट कॉम, आपने एंटर दिया, अब ये सीधा कहाँ गया होगा, ये रिक्वेस्ट जा रही है, ये क्या जा रही है, रिक्वेस्ट जा रिक्वेस्ट रही है किसके पास, सर्वर के सर्वर पास, सर्वर के सर्वर पास के जा रही है जहां पे ये वेबसाइट का डेटा रखा होगा। डिजाइनिंग पढ़ी है सबने, डिजाइनिंग सीख के आए ना, पर वेबसाइट लाइव कैसे करते हैं, तो ये कहाँ गई होगी, जहां सर्वर के पास, जहां से डोमेन कनेक्ट होगा जिस सर्वर से, उसके पास गया होगा, क्या गई यहां से,
रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट अब उसने क्या देखा सर्वर ने कि भाई रिक्वेस्ट आई है मेरे पास। अब वो क्या करेगा, उसने क्या दिया आपको, ये वेबसाइट ओपन करके रिस्पांस दिया। yes, जो आपके सामने वेबसाइट ओपन हो रही है वो क्या मिला आपको, रिस्पांस मिला वहां से। तो दो काम होते हैं, दो काम होते हैं, एक रिक्वेस्ट जो आप भेजते हो और जो आपके पास लौट क्या आता है वो क्या आता है, रिस्पांस। ठीक है, आपने लगा facebook.com, आपने एंटर दिया, रिक्वेस्ट गई सर्वर के पास, सर्वर ने आपके सामने फेसबुक ओपन कर दी, है ना। मैंने अभी सीमान मुस्कान से कहा मुस्कान अब वीएस कोड पे आओ, तो मुस्कान को मैंने रिक्वेस्ट भेजी, तो मुस्कान ने क्या किया, वीएस कोड ओपन कर दिया, मुस्कान ने हमें रिस्पांस दे दिया, है ना। तो दो ही चीज चलती है सर्वर पे, रिक्वेस्ट और रिस्पांस। ठीक है, आप रिक्वेस्ट भेजते हो, सर्वर आपको रिस्पांस भेजता है। ठीक है, बात समझ आई कि नहीं आई, इतनी चलो यस आ जाओ कोड में आओ। आगे। तो हमने भी क्या किया, हमने लिखा यहाँ पे, हमने लिखा सर्वर इक्वल एच एच डॉट क्रिएट, हमें क्या करना है सर्वर क्रिएट करना है, तो हमने कहा क्रिएट सर्वर, उसके अंदर हमने एक फंक्शन डिफाइन किया, उसके अंदर हमने दो पैरामीटर लिए, दो पैरामीटर के अंदर हमने क्या कर लिया, एक रिक्वेस्ट और एक रिस्पॉन्स। ठीक है, क्या कर लिया हमने दो पैरामीटर, एक आर ई क्यू मतलब रिक्वेस्ट और आर ई एस मतलब रिस्पॉन्स। अब रिस्पॉन्स में हम क्या देंगे सामने वाले बंदे को, लिखा ना देखो आर ई एस डॉट राइट वेलकम नोड जे एस सर्वर, ये हम रिस्पॉन्स में देंगे। ठीक है, अब बात जो बन गया हमारा, अब बात जो आती है कि हम लिखते हैं ब्राउजर पे, लोग क्या ब्राउजर लिखते हैं ना w3school facebook.com, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे ब्राउजर पे, है ना, और सर्वर चलेगा कैसे, है ना, अभी सर्वर चलेगा कैसे। तो यहाँ पे हम काम किस पे कर रहे हैं, लोकल पे कर रहे हैं, तो हमें क्या लिखना होगा, लोकल होस्ट लिखना होगा, है ना, लोकल भी तो है, और एक पोर्ट डिसाइड कर लो, कोई भी पोर्ट 3000 4000 5000 जो आपका मन करे, है ना, जिस पोर्ट पे हमारा ये सर्वर चल सके। लोकल होस्ट तो लिखनी पड़ेगा बाय डिफॉल्ट, क्योंकि लोकल भी चलाना है, लोकल ये है हमारा सर, पोर्ट आप कुछ भी ले लो। हाँ बोलो, पोर्ट तो कोई से भी ले सकते हैं, मतलब पोर्ट कह रहा हूँ कुछ भी लो, 3000 4000 5000 10000 जो आपका मन करे। यहाँ तो यही तो देखो सबसे फायदा है कि आप यहाँ पे सर्वर खुद से बना रहे हो, तो आप सब कुछ आपके हाथ में। अब बात ये आती है कि रिक्वेस्ट आएगी कैसे, यहाँ पे सर्वर चालू होगा तभी तो रिक्वेस्ट आएगी, सर्वर चलेगा तभी तो रिक्वेस्ट आएगी। पॉइंट समझ आ गया, तो सर्वर चलेगा कैसे, तो उसके लिए हमें कोड लिखना होगा, है ना। तो लाइन नंबर 5 लिखा है ना, लाइन नंबर 5 लिखो डॉट डॉट, देखो अपने आप आ गया, जैसे मैं डॉट लगाया मेथड आ गया, देखो लिसन लिसन अपने आप आ गया, देखो आ गया लिसन। अब लिसन पे माउस लेके जाओ ना, बीच में माउस लाओ, देखो अब ये हमसे क्या कह रहा है देखो, पोर्ट कह रहा है, देखो दो चीज लेनी होंगी हमें इसके अंदर, आओ चलो फंक्शन का साइन लगाओ, मेथड है ना जी, मेथड का साइन लगाओ फंक्शन का, देखो अब यहाँ देखो पोर्ट कुछ लिख दो 3000, देखो कह रहा है ना पोर्ट लिखने की हमसे, अरे 3000 देखो 3000 कॉमा कुछ भी लिख सकते हैं अपन, कुछ भी फंक्शन का साइन इक्वल एरो बाहर और लिख दो console.log फंक्शन का साइन, सर्वर इज रनिंग लोकल होस्ट उसी के अंदर लिखा जाएगा, स्पेस देके लिख दो लोकल होस्ट कोलन 3000, स्पेस नहीं देना, लोकल होस्ट साथ में आएगा, लोकल होस्ट कोलन 3000। ठीक है, ये बन गया आपका सर्वर, लिसेंट क्या करेगा, ये आपके सर्वर को चलाएगा। अब लिसेंट में माउस लेके जाओ, फिर से इसका काम क्या होगा, देखो क्या कह रहा है, स्टार्ट अ सर्वर, लिखो पढ़ा पूरा पढ़ लो, इसका काम क्या होगा, आपके सर्वर को स्टार्ट करना, आपके सर्वर को चलाना।
है ना, इसका काम क्या होगा, आपके सर्वर को चलाना। तभी तो यहाँ पे रिक्वेस्ट आएगी इसकी मदद से और फिर ये रिस्पॉन्स देगा, है ना। चलो अब चालू करो, फाइल चालू करो दोबारा, नीचे सर्वर चालू नहीं, टर्मिनल चला, चला फिर से देखो, लिखा मैसेज लिख के आगे नीचे सब देखो, नीचे क्या लिख क्या है मैसेज में, सर्वर इज रनिंग लोकल होस्ट, सर्वर इज रनिंग लोकल होस्ट। अब ये मैसेज किससे आया जानते हो, लिसन से आया ना, इसका मतलब क्या हुआ, हमारा सर्वर चालू हो गया। अब चलो ब्राउजर पे आओ, ब्राउजर पे लिखो लोकल होस्ट कोलन 3000, लोकल होस्ट कोलन 3000, ये डाल देना स्लैश स्टूडेंट जो अलग होगा, तुमने फिर को वो करो दोबारा लिखो, पूरा टाइप करो, तुम्हारे इतने सारे कैचे बने हुए हैं, एंटर दो उसमें यूआरएल, दो यूआरएल में, अरे अरे इसको नहीं दो, ये नहीं चलेगा, पूरा टाइप करो खुद से, टैब को हटा के दूसरी टैब ओपन कर लो, हाँ उसको कैसे ले रखा है, लिखो लिखो पूरा खुद से, इसलिए मैं कह रहा हूँ, लेकिन बट तब चल पाएगा वो, वहाँ सब पूरा ही लिखा था लोग, तुम्हारे पहले से है ना वो, उसने कैसे दिक्कत दे रहा वो, अभी सही है, हाँ तुम एक काम करो, शिफ्ट कंट्रोल एन दबाओ, शिफ्ट कंट्रोल एन, शिफ्ट कंट्रोल एन एक साथ में दबा दो, ब्लैक वाली विंडो ओपन कर लो, बस अब यहाँ पे लिखो लोकल होस्ट, पूरा टाइप करो खुद से, अरे मैं कह रहा हूँ टाइप करो अपने हाथ से, लिखो लो एल ओ सी ए एल एच ओ, अरे तुम उसी पे चला रही हो, लिखो पूरा एल ओ सी ए एल एच ओ एस टी कोलन, इससे हटाओ यहाँ से, अब एंटर दो, स्पेस नहीं आना चाहिए, अगर अभी और एंटर दो, बस तो अब यहाँ एक चीज देखो, कुछ आया क्या सर, नहीं आ रहा, मैं मेरा भी नहीं आ रहा, ऐसी नहीं आ रहा, अभी नहीं, अभी नहीं आएगा, नहीं आएगा, घूम रहा है वो, हाँ सर। अब कहानी समझो सब लोग, यहाँ से रिक्वेस्ट तो गई, यहाँ से रिक्वेस्ट कहाँ पे आई होगी, पीएस कोड पे आओ, वीएस कोड पे आओ, देखो यहाँ रिक्वेस्ट तो आ गई और रिस्पांस देने के लिए भी तैयार था वो, मगर अब मुझे एक चीज का आंसर दो आप लोग, आप सबके घर में फ्रिज होता है, होता है घर में फ्रिज सबके यहाँ, तो मैं आपसे कहूँ कि फ्रिज में से पानी की बोतल निकाल लाओ, ठीक है, सोचो निकाल लाए, आप लोग सोचो निकालने जाओ, ऐसी सोचो इमेजिन करो, आपको आप बोलो सर लो पानी उतर निकालने जाओ, इमेजिन कर सकते हो ना, निकाल के मैं दो किलो सर पानी उतर लो, निकाल लाए सब लोग, निकाल लाए फिर से पानी बोतल, सर यस सर निकाल रहा है पक्का, हाँ सर, चलो बताओ कैसे निकाली, थोड़ा मुझे बताओ, बताओ बताओ क्या सर, फ्रिज खोला पहले, हाँ फिर अच्छा क्यों सब लोग फ्रिज खुला छोड़ दो, खुला बंद करते हो आप लोग, सर बंद करते हैं ना, तो जब आप यहाँ अपने आप बंद हो जाता, अपने आप पता नहीं, मेरा तो बंद नहीं होता यार फ्रिज, मेरा भी नहीं होता, अब इसका कुछ इसने कुछ उसमें कोडिंग कर रखी होगी बंद होने वाली है ना, चलो अब देखो, जब मुझे बताओ जब यहाँ पे रिक्वेस्ट आई, अब वो यहाँ जब रिस्पॉन्स देगा, रिस्पॉन्स देने के बाद आपने यहाँ पे रिस्पॉन्स एंड किया क्या, नीचे लाइन नंबर 4 के नीचे, लाइन नंबर 4 के नीचे आओ, देखो आर ई एस डॉट एंड,
रिस्पॉन्स देने के बाद सर्वर एंड भी तो करना पड़ेगा, रिस्पॉन्स एंड और फंक्शन का साइन लगा दो, मेथड है एंड बस, तभी तो इन्फाइनाइट वाइल लूप चल रहा था वो, घूम ही रहा था वो, सेव कर दो, अब जाकर चेक करो दोबारा से, सेव करके अब जाओ, अब ट्राई करो। अब रिफ्रेश करो फिर से, देखो वहां पे लोकल स्कूल सर वो घूम ही रहा है। तुमसे नाराज हो गया लग रहा मुझे। क्यों सब लोग अभी भी नहीं आया कुछ भी? फिर चलो सर। अब देखो अब की अब भैया क्या आवाज हो गई? आ गया सर। सर नहीं आ रहा, यानी कि मैं आ गया सर दोबारा। अब देखो दोबारा सर्वर चालू कर लो, नीचे आओ दोबारा, नीचे चालू करो टर्मिनल तब आएगा वो, दोबारा टर्मिनल चालू कर लो, दोबारा सर्वर चालू करना पड़ेगा ना मुझे, कंट्रोल सी कर लो नीचे, कंट्रोल सी नीचे कंट्रोल सी कर दो, कंट्रोल सी दबा दो। अब लिखो दोबारा से, सब लोग दोबारा चालू कर लो सर्वर भाई, अब जाके देखो, अब रिफ्रेश करो सी को, अब आपने लाकर दिया मैं पानी की बोतल, देखो देखो आ गया वेलकम नोड जेएस सर्वर, हो गया सर्वर क्रिएट। यस सर आ गया, सबके में लिखा हुआ सर्वर क्रिएट हो गया ब्राउज़र पे। यस सर आ गया। देखो अभी तक आप लोग बने बनाए सर्वर चलाते हैं लोकल होस्ट वाले वाले फेसबुक के यूट्यूब के, अब देखो खुद का सर्वर चलाया आपने अपना, वेलकम। अब देखो कोड में आओ। अब मैं एक काम करता हूँ, अब मैं लिसन वाला पार्ट हटा दूँ तो चलेगा सर्वर क्या? क्यों सब लोग ये लिसन जो लिखा हुआ है इसको हटा दूँ तो चल जाएगा सर्वर? नहीं इसका काम, इसका काम क्या है? नहीं। आपके सर्वर को चलाना, स्टार्ट करना, चलाना सर्वर, सर्वर स्टार्ट करो ना। हाँ स्टार्ट करने वाला काम है, फिर यहाँ पे रिक्वेस्ट आई, रिक्वेस्ट ने आपको रिस्पॉन्स दिया, अब एक काम करो फिर एक को लिखो लाइन नंबर 4 पे आओ, 4 के नीचे आओ, 4 के नीचे लिखो res डॉट राइट और ब्रैकेट लगाओ, लिखो थैंक यू, लिखो थैंक यू नोड जेएस, थैंक यू नोड जेएस। अब पहले सब देखना, एक चीज समझाने वाला हूँ, थैंक यू नोड जेएस, सेव करो ब्राउजर पे जाके रिफ्रेश करो, देखो नहीं कहीं आया लिखा वो दोबारा। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, सर्वर को बंद करना पड़ेगा, दोबारा चालू करना पड़ेगा, है ना? ये तो करना होगा ना सब लोग, तभी सर्वर रिफ्रेश होगा। अभी अभी हो क्या रहा है, सर्वर रिफ्रेश नहीं हो पा रहा है। कोड में आओ, कोड में आओ। अब सर्वर जी क्या है, रिफ्रेश नहीं हो रहा है। जब सर्वर, जब आप क्या करते हो यार, आप लोग जब होम पे होते अबाउट पे जाते हो तो क्या होता है, सर्वर रिफ्रेश होता है, पूरा होता है कॉन्टेक्ट या सर्वर रिफ्रेश होता है। तो यहाँ पे सर्वर रिफ्रेश नहीं हो पा रहा है, तो मैं कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। ऐसा कि ये मैं बेर बेथ सर्वर चालू बंद करता फिरूंगा क्यों सब लोग? क्या बेर बे सर्वर चालू बंद करते फिरेंगे हम लोग? नो सर, है ना, आगे चल के एक्सपीएस पे काम करेंगे, क्या बेर बे सर्वर बंद करेंगे, चालू करेंगे, सर्वर बंद ऑटोमेटिक चलता रहे वो, है ना? तो उसके लिए हमें, इसके लिए हमें ये नोड जेएस एक पैकेज देता है, नोड जेएस हमें पैकेज प्रोवाइड करता है नोड मॉड्यूल नाम का, हमें एक पैकेज देता है, इस पैकेज का नाम होता है नोड मॉड्यूल। उसकी मदद से हमें क्या होगा, सर्वर बंद चालू नहीं करना पड़ेगा बेर बेर। तो उस पैकेज को हम क्या करते हैं, ग्लोबली इंस्टॉल कर लेते हैं। कैसा इंस्टॉल कर लेते हैं, ग्लोबली, समझते हो ना ग्लोबली? तो लिखो नीचे, लिखो सीएमडी, ओपन करो सीएमडी जल्दी, या इसको चलो अगली क्लास में करवाएंगे, हो भी नहीं पाएगा अभी, तो इंस्टॉल तो कर लो कम से कम।
अभी एरर आएंगे इसलिए इंस्टॉल तो कर ही लो कम से कम। सीएमडी ओपन करो, हाँ थोड़ा जूम कर लो, थोड़ा जूम जल्दी कर लो, फुल स्क्रीन करके थोड़ा जूम कर दो, कर रही हूँ सर, थोड़ा जूम कर दो, जूम करना आता है, हाँ और जूम कर दो। चल देखो npm, अब देखो आप जो भी पैकेज इंस्टॉल करोगे, आप जो भी पैकेज आगे चल के इंस्टॉल कर, सब किससे करोगे, npm, npm मतलब नोड पैकेज मैनेजर है ना। आप जो भी पैकेज इंस्टॉल करोगे तो ये मैं ग्लोबली इंस्टॉल कर रहा हूँ, समझ गए। तो देखो npm इंस्टॉल माइनस के जी इंस्टॉल स्पेस, अरे थोड़ा स्पेस दो माइनस के जी में, और स्पेस देखे नोड नोड मोन mon स्पेस मत देना, नोड मोन mon, हाँ एंटर दे दो नोड मोन में, नोड मोन सब देख लें इस तरह लिखा जाएगा नोड मोन mon। देखो जी इंस्टॉल हो गया, सही लिखना npm install माइनस के जी, जी मतलब ग्लोबल। अब क्या है इसको बार बार इंस्टॉल करना पड़ेगा, सर क्लास स्टार्ट हो गई, नहीं अभी नहीं पहली वाली चल रही है। हो गया सबका नोट वन, यस सर हो गया, सर हो गया, हो गया ना। अब चलो वीएस कोड को एक बार बंद करके दोबारा चालू कर लो, यस सर, वीएस कोड को एक बार बंद करके दोबारा ऑन कर लो, वीएस कोड को एक बार क्लोज करके दोबारा स्टार्ट कर लो, हो गया सर। अब देखो नोड वन यूज कैसे करते हैं, तो अभी हमें क्या करना पड़ रहा था यहाँ पे बेर बेर, कोई नोड फिर दोबारा सर्वर चालू करना पड़ रहा था बेर बेर है ना, तो कहीं ना कहीं बड़ी दिक्कतें आ रही थी हमें। अब देखो टर्मिनल में क्या लिखेंगे हम लोग, अब सब यहाँ पे लिखेंगे, अभी टर्मिनल आने उसका अभी नहीं आया, आ गया। चलो अब देखो हम क्या लिखेंगे सब लोग यहाँ पे, देखो टर्मिनल में हम यहाँ पे लिखेंगे नोड मोन, देखो नोड मोन में स्पेस नहीं आएगा, पहले सब एक बार देख लो नोड मोन mon, नोड मोन में स्पेस नहीं आएगा। अब देखो स्पेस और फाइल का नाम, अकेला फाइल का नाम .js में लगाना, फाइल का नाम डालो सर्वर क्रिएट, जो तुम्हारी फाइल का नाम था सर्वर क्रिएट, एंटर दे दो। देखो ये सर्वर चालू हो गया, दिख रहा है सबको चालू हो गया सर्वर, अभी देखना अभी आप सब देखो ठीक है। अब आप ब्राउजर पे अभी देखो, पहले ब्राउजर पे जाओ और जाके रिफ्रेश करो, देखो दोनों आ गए, दोनों आ रहे हैं। अब मैं फिर लिख रहा हूँ, अब चलो फिर चलो, अब फिर लिखो res.write, एक लोगों सी के नीचे। अब देखना हमें सर्वर दोबारा चालू नहीं करना पड़ेगा, अब डॉट राइट ब्रैकेट कुछ भी लिख दो, हेलो मुस्कान तुम्हारा मन करे, एच वन लिखो, एच वन लिखो, एच वन में एच वन ऐसे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं ऐसे लिख दो, हेलो मुस्कान लिख दो, हेलो मुस्कान मुस्कान, बस सेव कर दो। जैसे आप सेव करोगे ना सर्वर अपने आप रिफ्रेश हो जाएगा, देखो नीचे देखो टर्मिनल, देखो टर्मिनल रिफ्रेश हो गया, सब टर्मिनल चेक कर रहे हैं अपना रिफ्रेश हो गया वो। अब ब्राउजर में जाकर रिफ्रेश कर दो, यहाँ पे जाकर रिफ्रेश करो, देखो आ गया हेलो मुस्कान लिखा हुआ, तो मतलब हमें सर्वर बेर बेर चालू नहीं करना पड़ रहा है, किसकी मदद से, नोड मोन की मदद से। अब आप लोग चला के देखें, तो अगर किसी के में एरर आती है, आपके में किसी में एरर आएगी नोड मोन चलाने पे, रेड रेड सी, तो मुझे बताना किसी के में अगर रेड रेड वाली एरर आए तो मुझे बताना। सर मेरे में आ रही है, रेड रेड सी एरर आएगी, यस सर मेरे में भी, मेरे में आ रही है, हाँ
आ रही हूँ ना, तो अभी मैं आपको ये कमांड दे रहा हूँ, वो कमांड पेस्ट कर देना और फिर चलाना नोट वन आप लोग। अभी दे रहा हूँ, बाकी लोग चला के देखें तब तक जिनकी मनी आ रही है। चल गया सर। जिनकी में नहीं आ रही यार वो चला के तब तो देख ले, और जिनकी में एरर आ रही उनको मैं दे रहा हूँ कोड अभी। चल गया सर। चलो मैं चैट में दे रहा हूँ, ये कमांड दे रहा हूँ एक ना, जिनकी में रेड रेड सी एरर आ रही थी। दे रहा हूँ चैट में, ये कमांड कॉपी कर लो, तुम ही कॉपी कर लेना मुस्कान, इनको दिखा दो कहाँ पेस्ट करना है। ये कमांड कॉपी करो और टर्मिनल पर पेस्ट कर दो और फिर नोटबुक चला के देखो। टर्मिनल पर पेस्ट कर दो सर। ये सर ये कमांड सबको पेस्ट करनी है क्या? नहीं, जिनका रेड रेड आ गई थी उनके लिए। हाँ, कंट्रोल सी कर देना ना मुस्कान अपने मेरे, जिनका चल गया उन्हें दिक्कत नहीं है ना। और यहाँ पेस्ट कर दो, यहाँ पेस्ट कर दीजिए देखो आप लोग। okay. ये पेस्ट करके एंटर दे दो बस, एंटर दे दो बस, दे देना एंटर, एंटर दे दो ऐसे और नोट बोन लिख दो अपना, चालू हो जाएगा। नोट मॉन फिर फाइल का नाम सही देना, नोट मॉन और फिर स्पेस देके फाइल का नाम, नोट मॉन और फिर स्पेस देके फाइल का नाम, और सर्वर चालू हो जाएगा इस तरीके से। चलो सर, कमांड बार बार देनी पड़ेगी क्या? नहीं, एक फाइल में एक बार देनी पड़ेगी, जो फाइल बनाओगे तो उसी फाइल को सेव करोगे तो अपने।